के लिए मदरजा जैल इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की सरवाई में एक एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का क्याम अमल में लाया जा रहा है। ये काउंसिल हर सेमाई में कम से कम एक मीटिंग मुनक्कद करेगी और एक्सपोर्ट के बारे में जो मामला होंगे उसका फैसला करेगी। प्रपोजल है जी। अगला जनाब, मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की तरवीज के लिए किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को खत्म किया जा रहा है। ये मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगला, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इरादा किया जा चुका है। इसके तहत एक्सपोर्टर की सहूलियत में मजीद इजाफा किया जा रहा है। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर जो मिनिमम टैक्स 0.25% है इस वक्त, उसको कम करके 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फ्रोग देने के लिए मुकामी तौर पर तैयार न होने वाले सिंथेटिक फिलामेंट यार्न पर 5% जो इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको खत्म करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो है, उन तमाम चीजों को भी कस्टम ड्यूटी से उसके ऊपर अस्तस्ना दिया जा रहा है और ड्यूटी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं अर्ज करूंगा कि हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो एक बहुत ही अहम अपना मईशत में उनका एक हिस्सा है। रिमिटेंसेस, फॉरेन रिमिटेंसेस जो जर मुआल्लक अहम तरीन जरिया है, उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरसीलाते जर यानी फॉरेन रिमिटेंसेस हमारी एक्सपोर्ट्स का 90% के बराबर है। यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 90% फॉरेन रिमिटेंसेस आपके पाकिस्तानी बहन भाइयों इस तबके के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये अपने मुल्क में अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशन की अनाउंसमेंट की जा रही है। के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, क्या आप कितने हो इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% पानी पिला लागू है, पानी ठंडा पिला किया जा रहा है उनके लिए। नंबर दो, रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना 50 को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मदरजा ज़ैल मुराद दी जाएगी। नंबर एक, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर दो, उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर तीन, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसडर कौन से जहाँ होंगे उनको मिलेगी। नंबर चार, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर एक फास्ट टैग। स्पीकर, रिमिटेंस कार्ड होल्डर को पूरा अंदाजी के लिए के जरिए बड़े इनाम देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का। अगला शोभा तालीम के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। गो के ये सब्जेक्ट सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। इस सिलसिले में जो इकदाम इस बजट के हवाले से है, मैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स अर्ज करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है, 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मात्र 70 अरब किए गए। हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे 135 अरब।